गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। क्लास 11 में आज का टॉपिक है माइकोप्लाज्मा के लक्षण। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक। माइकोप्लाज्मा के विषय में आपने जाना। आज हम जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं माइकोप्लाज्मा के लक्षण। माइकोप्लाज्मा की कोशिका का कोई निर्धारित आकार नहीं होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माइकोप्लाज्मा एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है, अर्थात बहुरूपी जीव होता है, ठीक। तो इस कारण से इसका कोई निर्धारित आकार नहीं होता है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो प्रतिपल अपना रूप बदलता रहता है। जैसा संवर्धन माध्यम होगा वैसा रूप वो बदल लेगा, तो इसी वजह से उसका कोई निर्धारित आकार नहीं होता है। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका का कोई निर्धारित आकार नहीं होता है, इसीलिए इनके लक्षणों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। तो आगे क्या लक्षण है इनके? नंबर एक, ये एक कोश की गोल या अंडाकार व प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये एक कोश की होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये सिंगल यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये एक कोश की गोल या अंडाकार और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, ये एक कोश की गोल या अंडाकार व प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी या पौधे तथा जंतुओं में परजीवी रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये सड़े गले पदार्थों में, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें ये मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और जो पौधे और जंत होते हैं उनमें ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा पौधे और जंतुओं में किस रूप में पाया जाता है, तो परजीवी रूप में पाया जाता है, और जो सड़े गले पदार्थ हैं तो उसमें ये मृतोपजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला, इनका आकार 100 से 500 nm नैनोमीटर, इनका आकार 100 से 500 nm तक होता है। चौथा पॉइंट, इनका रूप प्रायः कई प्रकार का होता है जो संवर्धन माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। मतलब हम आपको बता ही चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब बहुरूपी जीव होता है, जिसके कारण से उसका रूप बदलता रहता है। और कब बदलता है? जैसा संवर्धन माध्यम होगा उसी के अनुसार अपना रूप ये बदल लेगा, ठीक। अगला, इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि ये कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगला, इनमें कोशिका कला से घिरे कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इनमें कोशिका कला से घिरे कोशाद्रव्य में डीएनए आरएनए तथा राइबोसोम, डीएनए आरएनए तथा राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम कैसे? 70 प्रकार के, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम ही पाए जाते हैं। अगला, सातवां, इनकी कोशिका पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से प्रभावित नहीं होती है। मतलब जो पेनिसिलिन होती है, जो एंटीबायोटिक होती है, अगर उसको माइकोप्लाज्मा पे डाला जाए तो माइकोप्लाज्मा प्रभावित नहीं होता है, मतलब वो नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जो आपने जाने। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।